भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह कहा गया है कि सेना को अब खुली छूट है, वह किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके पहले सेना को सरकार से अनुमति लेना पड़ती थी, लेकिन अब उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी है। उनका यह भी कहना है कि विंग कमांडर अभिनंदन तमिलनाडु के हैं और उन पर हर भारतीय को गर्व है। 2004 से लेकर 2014 तक कई आतंकवादी हमले हुए और एक समय था जब अखबारों में ऐसी खबरें आती थी कि फोर्स बदला लेना चाहती है लेकिन सरकार उन्हें अनुमति नहीं दे रही। आज खबरें ये होती हैं कि सेना को खुली छूट दे दी गई, वे जैसा चाहे कार्रवाई करें और आतंकवादियों से बदला लें। कुल मिलाकर मोदी के इस बयान को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है कि पहली बार सेना को इस बात के लिए छूट दी गई है कि वह अपने ढंग से कार्रवाई कर सकती है। इधर वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से भारत लौट आए। वे रात 9:20 पर भारत अटारी बॉर्डर पर आए और उन्होंने गर्व भरी मुस्कान के साथ बॉर्डर पार करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। अभिनंदन का स्वागत करने के लिए बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर लोग इंतजार कर रहे थे। इनमें उनकी पत्नी और उनके पिता भी शामिल थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान से अभिनंदन की वापसी के बाद पूरे देश में एक अलग ही माहौल है। सभी अभिनंदन का अभिनंदन कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा अभिनंदन की रिहाई का सीधा प्रसारण किया गया। कुल मिलाकर अभिनंदन के मामले में पाकिस्तान का जो रवैया सामने आया है उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह फिलहाल युद्ध नहीं चाहता। राजनीतिक हलकों में तो यह भी चर्चा है कि पाकिस्तान भयभीत है। कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि अभिनंदन की वापसी के साथ ही फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि अब पाकिस्तान कोई बड़ी हरकत करने वाला है। इधर अभिनंदन के आने के बाद अब जो प्रक्रिया शुरू होगी उसके अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि सेना उनकी मेडिकल जांच कराएगी और यह देखा जाएगा कि कहीं उन्हें टॉर्चर तो नहीं किया गया है, क्योंकि शुरुआती खबरें ऐसी थी कि उनके साथ मारपीट की गई है। दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें टॉर्चर किया गया है तो फिर जेनेवा संधि के तहत पाकिस्तान की शिकायत की जाएगी। इसके अलावा एयरफोर्स द्वारा भी उनसे पूछताछ की जाएगी कि पाकिस्तान द्वारा उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिए। और यह इसलिए कि अगर अभिनंदन पर दबाव डालकर पाकिस्तान ने कोई जानकारी ली है तो उसकी भी तलाश की जाएगी। लेकिन अभिनंदन जिस गर्व के साथ वहां पर गए थे और जिस गर्व के साथ उन्होंने अपने जवाब दिए हैं वे सच्चे देशभक्त साबित हुए हैं। कुल मिलाकर जो सेना की प्रक्रिया है उसमें अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाएगी। उसमें रा भी पूछताछ करती है, आईबी भी पूछताछ करती है और कुल मिलाकर यह पता लगाया जाता है कि आखिर वहां पर उनके साथ क्या हुआ। अभिनंदन को ड्यूटी पर लौटने में लगभग एक माह से ज्यादा का समय लग सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।